खबर जयपुर से, जहां मंत्री शांति धारीवाल ने ग्रेटर नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीणा भड़क गए। आरएस अधिकारी को फटकार उन्होंने लगाई, कहा बाबू की नोटिंग के चलते फाइलों का निस्तारण नहीं किया गया। नोट लगाकर फाइलों को जबरदस्ती रोकना सही नहीं है और कुंजीलाल के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाए अधिकारी। तो औचक निरीक्षण रहा। आपको बता दें कि बाबू की नोटिंग के चलते फाइलों का निस्तारण नहीं हो रहा है। ये मामला इस औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया। नोट लगाकर फाइलों को जबरदस्ती रोकना ठीक नहीं है और संतोषप्रद जवाब इस पर नहीं दे पाए कुंजीलाल के सवालों का अधिकारी, जिस पर जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री शांति धारीवाल ने ग्रेटर नगर निगम का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीणा भड़क गए। आरएस अधिकारी को फटकार उन्होंने लगाई है। एक अपडेट के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए ग्रेटर नगर निगम का औचक निरीक्षण किया और कल ही एवन टीवी ने जब प्रसारित किया था कि लगातार सफाई व्यवस्था दो भागों में बंटने की बात भी नहीं हो रही है, आज पहुंचे वहां पर यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल, किस तरीके का नजारा उन्हें देखने को मिला बताएं। देखिए जेपी, प्रशासन शहरों के संग अभियान जारी है और इसमें टारगेट दिया गया था कि 10 लाख से अधिक पट्टे वितरित किए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वो पूरी तरह से गंभीर और वो चाहते हैं कि टारगेट को क्रॉस किया जाए और करीब 15 लाख से अधिक पट्टे वितरित किए जाए। लेकिन आज इसी को लेकर मंत्री शांति धारीवाल औचक निरीक्षण के लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम पहुंचे, जहां पर पूरा ये कैंप चल रहा है, वहां पर ग्रेटर निगम अधिकारी के द्वारा पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन इन दौरान कई जो लापरवाही है जो अधिकारी की वो सामने आई। कई लोग जो फाइल में तमाम पूरी चीजें अवेलेबल होने के बावजूद, पूरा रिकॉर्ड होने के बावजूद उनको पट्टे के लिए चक्कर कटवाए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों से मंत्री धारीवाल ने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही इस दौरान एक पट्टा स्थानांतरित करने का कोई मामला था, उसको लेकर मौका रिपोर्ट मांगने के आधार पर धारीवाल ने जो अधिकारी है आर ओ डी के बंबानी, उनको कहीं ना कहीं बड़ी फटकार लगाई और सस्पेंड करने के निर्देश मौके पर दिए। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त वाला एक औचक निरीक्षण यहाँ पर धारीवाल ने किया कि इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है कि किस प्रकार से शहरों के संग अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे दिए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अभियानों में जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके जो लापरवाही है, उन तमाम चीजों के चलते लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में भी ग्रेटर में निरीक्षण करने के बाद में जो मालवीय नगर जोन है नगर निगम का, वहां पर पहुंचे हैं तमाम जो यूडीएस के आला अधिकारी है वो मौजूद है, प्रमुख शासन सचिव जो कुंजीलाल मीणा है, जे एस सिंधु है, तमाम लोग उनके साथ मौजूद है। यहाँ पर एक मामला देखने को मिला, जैसे कि 1976 का कोई फाइल है, वो पट्टा स्थानांतरित करने का मामला है और पट्टा स्थानांतरित नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो उपायुक्त है सुरेश चौधरी, उनको जबरदस्त फटकार लगाई उनको और नाराजगी जाहिर की मंत्री शांति धारीवाल ने और उस फाइल को तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को पट्टा जारी करने के निर्देश दिए और उस व्यक्ति को यहाँ पर फोन करके बुलाया गया है। कुंजीलाल मीणा ने उनको फोन किया है कि आप आइए और आपका तुरंत प्रभाव से पट्टा ले जाइए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से यूडीएच जो मंत्रालय मंत्री शांति धारीवाल है वो इस प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने को लेकर गंभीर है। उनकी जो एक मंशा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 10 लाख से अधिक पट्टे वितरित करने की, उसको लेकर यहाँ पर पुरजोर तरीके से शांति धारीवाल और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। जी जी, चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। We'll be right back.